दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, सुभाष प्रभाष जोशी द्वारा लिखित पाठ का ये दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो लीजिए। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खाखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। यहाँ पर जो मालवा में नर्मदा के किनारे बहुत सारे वृक्ष हैं, विशेष रूप से फूल हैं, पौधे हैं, उन सब का वर्णन यहाँ पर रचनाकार कर रहे हैं और उनकी विशेषता बता रहे हैं। पूर्व समय में ये बहुत सारे उगते थे, लेकिन धीरे धीरे अब आजकल ये दिखाई नहीं देते हैं, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। चूंकि नदी ही घट गई, उसका पानी घट गया, तो शेष पौधे, फूल, वृक्ष ये भी घट गए। हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन्न देती है। जब पहाड़ों में इतने सारे झरने बहते हैं, ये सारे अगर बहें तो इनसे जब पानी निकले तो निश्चित रूप से मिट्टी गदगद हो जाएगी, प्रफुल्लित होगी और जब उसमें अन्न बोया जाएगा तो वो खूब फलेगा फूलेगा। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहाँ से शिप्रा निकलती है, कालिदास की शिप्रा। ऐसा कहते हैं कि संस्कृत साहित्य के बड़े विद्वान कालिदास ने, जो कि अनेक ग्रंथ लिखे हैं, वो शिप्रा की नदी पर किनारे पर बैठ करके सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, तो कालिदास की शिप्रा ही कही जाती है। बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जानापाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। ये नदी कहाँ से कैसे निकलती है, कहाँ मिलती है, उसका एक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चंबल को हमने घाटा विलोद में देखा, काफ़ी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है, आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े, यानी खूब पानी पड़ा। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। ये मालवा के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, जहाँ पर वास्तव में पूर्व में ऐसा ही होता था, मालवा में नहीं शेष जगह पर भी होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए हैं, वैसे वैसे हमने प्राकृतिक संपदा को खो दिया है। तो उसी ओर लेखक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसी बात को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको हमने दोहन कर दिया, उसका शोषण कर दिया। पहले खूब नर्मदा बहती थी, पानी आता था, तमाम सुविधाएं थी।
दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे नदी में हमेशा जल है, तो जीवन भी एक सजीव की तरह, जीवित की तरह, बहुत आराम से आनंद की तरह बहता हुआ जा रहा है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया था, यानी कि पश्चिम की क्रांति के बाद। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए। यहाँ लेखक एक तरह से जो तथाकथित आधुनिक इंजीनियर या तथाकथित आधुनिक डिग्रियां लेकर के जो ज्ञान को प्राप्त करने का घमंड करते हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि पुराने समय में लोग पानी कैसे एकत्रित करते थे, ये ज्यादा बेहतर जानते थे बजाय आज के लोगों के। विक्रमादित्य, भोज, मुंज, ये सब पश्चिम की क्रांति के बहुत पहले चीजों को एकत्रित कर चुके थे, जानते थे कैसे प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन आज तो चाहे जहां पर बांध बना दिया, एनीकट बना दिए, सिर्फ इन्हीं से ही काम नहीं चलता है, दूसरी चीजें भी चाहिए। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सके। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। अर्थात बारिश के पानी को एकत्रित नहीं कर पाए और जमीन के पानी को हमने वैसे सोख लिया, तो पानी खत्म हो गया। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपला पाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चल ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूँ और नाव पर सैर की। अर्थात बारिश अच्छी हुई है, उसके बावजूद भी खूब चीजें भरी हैं, लेकिन वो आनंद वैसा ताल तलैया, वैसा आभास पानी का अभी नहीं हो रहा है जैसा कि वो लेखक बता रहे हैं कि बचपन में जब नहाए थे, नावों की सैर की थी, नदियों को देखा था, तो उस समय वाला। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, यानी कि इतना गहरा पानी होता था, इतना अधिक पानी होता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, यानी कि इंदौर को सिंचित करने वाली, इंदौर को हरा भरा रखने वाली दोनों नदियां थी। आज वे सड़े नालों में बदल दी गई, खत्म हो गई। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, कालीसिंध, चोरल, सबके यही हाल हो गए। ये सारी नदियां हैं जो मालवा में बहती थी या कुछ बहती हैं, ये सदा नीरा नदियां मालवा के गालों के आंसू भी नहीं भा सकती, यानी कि जैसे यदा कदा हम व्यक्ति रोता है उसके आंसू झरते हैं, इस तरह से एक उपमा दी है, पानी नदियों में ऐसा रह गया है, हमेशा जल रहने वाला, जल से लबालब रहने वाली ये नदियां आंसू की तरह कुछ बूंदों के लिए जानी जाती है, चौमासे में चलती हैं, यानी कि जब बारिश का समय होता है तभी ये बहती है, अन्यथा पानी नहीं रहता उनमें। बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गिरा है, और इतने में ही नदी नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं। अर्थात थोड़े से पानी से ही इतने लबालब हो गए, क्योंकि स्टोर का संसाधन बहुत सीमित है और अव्यवस्थित है एक तरह से। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की ये जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे और कहते थे कि तब भी खाने और पीने को काफी था। अर्थात उस अकाल के समय भी खूब व्यवस्थाएं थी, तब भी यशवंत सागर, बिलावल पानी काफी था। इन 128 सालों में एक ही साल, तब भी यशवंत सागर, बिलावल अतिवृष्टि का था, एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था,
तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपलिया पाला टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो है, सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं है। 56 के काल में देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोगों ने प्यार भरे प्यार प्यासे न मरे, भूखे न मरे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में पानी यदि लगातार आपके पास एकत्रित है तो एक दो साल सूखा पड़ जाए, पानी न बरसे, तो भी कमी नहीं आएगी। तो ये खास बात रचनाकार यहां बताना चाहते हैं। अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है, लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वे उजाड़ की अपसभ्यता, यानी कि विकास के तथाकथित पैमाने पर दौड़ रहे हैं, उद्योगों की नगरी के कारण जिस तरह से हम अपने आप को अथाह संपदाशाली समझ रहे हैं, वो एक तरह से हमारी असभ्यता को जन्म दे रही है, उजाड़ने का कार्य कर रही है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी हैं, वे बताने को काफी हैं कि मालवा धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहाँ डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है। अब ऐसी स्थिति आ गई। नई दुनिया एक बहुत चर्चित अखबार रहा है और प्रभाष जोशी आप जानते हैं पत्रकार रहे, बड़े पत्रकार रहे, तो वो अखबारों के माध्यम से बातें बता रहे हैं। उन अखबारों की कटिंग से पता लगता है पहले क्या स्थितियां थी, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों हमारी लद्दाख में बर्फ के बजाय पानी गिरा और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है, वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं, हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं। यहां लेखक मालवा के माध्यम से पूरे वातावरण को लेकर के, पूरे भारतीय वातावरण को लेकर के, वैश्विक वातावरण को लेकर के बात कहना चाहते हैं। अमेरिका और अमेरिका जैसे कुछ धनाढ्य लोग जो दिन प्रतिदिन तमाम तरह के केमिकलों के माध्यम से, नए नए उपकरणों के माध्यम से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो तमाम तरह की ऐसी गैस ऐसे वातावरण में छोड़ रहे हैं चीजों को कि जिनसे हर तरह का नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब गैसों का प्रभाव पूरे वातावरण में है, उससे मालवा ही नहीं पूरा देश, पूरा संसार, पूरा विश्व खतरे में पड़ रहा है और हमारी सभ्यताएं उजड़ रही हैं। हम सिर्फ पेट भरना ही जीवन यापन का संसाधन समझ रहे हैं। ये ऐश आराम जीवन यापन नहीं है, ये जीवन को नष्ट करने के संकेत हैं। तो दोस्तों, खैर, मालवा के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये पाठ प्रभाष जोशी जी ने लिखा जो हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।